हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करती हूँ आप सभी का हमारे इस नए यूट्यूब चैनल कृष्णा शिवाश्रम में। आज की वीडियो में हम लड्डू गोपाल जी के लिए ये नेकलेस बनाने वाले हैं। ये नेकलेस आप 5, 6 और 7 नंबर के कान्हा जी को पहना सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत और बहुत आसान तरीके से बन जाएगा। ये देखें, ये 3-4 लेयर्स आएंगी यहाँ पर इस तरह से, और बहुत ही खूबसूरत सा वर्क किया हुआ है हमने, और इसे बनाना भी बहुत ईजी है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो करिए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है amritifashion50, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, बना लेते हैं गोपाल जी के लिए ब्यूटीफुल सा नेकलेस। अब देखिए गाइस, हम वीडियो में सबसे पहले किन किन चीज़ों का यूज़ करने वाले हैं। इस तरह की हमारे पास ये पर्ल चेन है, ये हम यूज़ करेंगे, ये देखें। और इसके बाद हमने ली है बॉल चेन गोल्डन कलर की, ये हम यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने कट करके रखी है। सबसे पहले देखें, ये बॉल चेन आप कट करें छोटी थोड़ी सी, और उसके बाद इससे हल्की सी बड़ी हमने ये पर्ल वाली चेन कट किया है। फिर अगर नेक्स्ट रो में आप जाएंगे तो ये देखें, ये बॉल चेन हमारी इससे भी बड़ी है और इससे हल्की सी बड़ी ये पर्ल वाली चेन है। फिर थर्ड में भी आएंगे तो बॉल चेन हमारी इस सबसे बड़ी है और इससे हल्की सी बड़ी ये पर्ल वाली है। अब लास्ट वाले में आएंगे तो देखिए, बॉल चेन हमारी इससे भी बड़ी है और इससे हल्की सी बड़ी हमारी पर्ल वाली है, फिर इससे और हल्की सी बड़ी हमारी बॉल चेन है। तो इस रेशियो में आपको कट करना है। अगर आप इस तरह से कट कर लेते हैं तो आपको नेकलेस बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसानी से बहुत जल्दी बन जाएगा। तो सबसे पहले आप इसे कट करके रख लें। मैं अगर आपको यहाँ पर मेज़र करके बता दूँ कि मैंने क्या कितने इंच लंबाई का कट किया है, ये देखिए, ये हमने यहाँ पर 2 इंच से 1 पॉइंट कम है। और फिर ये वाले पर अगर ये देखिए हिल गया मेरा, इसे हम सीधा कर लेते हैं जिससे मेज़रमेंट सही आ जाए। अब इसे अगर आप देखेंगे तो ये देखें, ये हमारा 2.5 इंच के करीब में है। और फिर इस पे आएंगे तो इसे अगर आप देखेंगे तो ये हमारा 3.25 इंच के करीब में है। और फिर लास्ट वाले में आएंगे तो ये वाला हमारा है 4.25 इंच। तो इस तरह से आप भी कट कर लें, मैंने अब मेज़र भी करके दिखा दिया, किसी चीज़ में आपको दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा इसे साइड करते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं, ये पेपर मैंने लिया है, इसके ऊपर गोल्डन कलर से पेंट कर लिया है। अगर आपको इस तरह का पेपर नहीं, पेंट नहीं मिलता है तो आप इसकी जगह पे शादी वाला कार्ड ले सकते हैं, वो ऑलरेडी गोल्डन होता है, तो आपको पेंट पेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम यहाँ पर इसे अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हम इससे स्टार्ट करेंगे, ये जो हमारी बॉल चेन है स्टार्टिंग वाली। तो मैंने यहाँ पर फैब्रिक ग्लू लिया है, फैब्रिक ग्लू की हेल्प से स्टार्ट करने वाले हैं। तो एक पे स्टार्ट करेंगे, इस पे हम लगा देते हैं ग्लू। ये देखिए, ग्लू तो लगा दिया हमने, बट इसे थोड़ा सा ऐसे पतला कर लेते हैं फ्रंट से, नहीं तो ये बहुत चौड़ा हो जाएगा। ये हमने पतला कर दिया, ये देखें इस तरह से। अब हम यहाँ पे ये बॉल चेन लगाएंगे पहले, ये देखिए ये हमने लगाई। इसे आप सेट कर लें अच्छे से, जिसे निकलने के चांसेस ना हो। ये हमने सेट कर दिया। अब इसके बगल में हम ये अपनी नग वाली चेन लगा देंगे, ये देखें, इसे भी अच्छे से सेट कर दें एकदम ऐसे करके। फिर इसके बाद ये वाली बॉल चेन लग जाएगी यहाँ पे इस तरह से, इसे भी हम इसके पास अच्छे से सेट कर देंगे। और फिर इसके बाद ये वाली चेन लगेगी, ऐसे लाइन बाय लाइन हमें लगाते चले जाना है। ये देखें, यहाँ पे एक साइड हमने लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक बार उठा के चेक कर लेते हैं, ये हमारा सब एक दूसरे से लंबा है ना। तो ये देखें कितने अच्छे से ये आ गया है, बस ये एक साइड हो गया, तो समझ लीजिए आपका काम बहुत हल्का हो गया। अब ये जो दूसरी साइड है, इधर भी हम इसे पतला कर लेते हैं, जिससे ये हमारी, ये देखें, ये किनारे की साइड चौड़ा है और ऊपर की साइड पतला है। आपको भी इसी तरह से करना है। और फिर हम इस पे ग्लू लगाएंगे और इन सभी को बारी बारी हम अब इसके ऊपर चिपकाएंगे। ये देखिए, अब हमने इसके ऊपर ग्लू लगा दिया।
क्या करेंगे, यहाँ से ग्लू लेंगे थोड़ा सा अपने स्टिक में, और सबसे पहले तो आप इसे ऐसे सीधा कर लें, यहाँ पे ये सीधा रहे, और फिर यहाँ से आपको इसे ऐसे इस तरह से स्टिक पे चिपकाना है, और यहाँ ले आके इस पर हम चिपका देंगे। देखें ये इस तरह से यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पे लग गया। अब ये सेकंड वाला आएगा, सेकंड वाले को हम यहाँ से सेम तरीके से उठाएंगे और एकदम पास ही में हमें लगाना है, तो ये हमने एकदम पास में से अटैच कर दिया। फिर यहाँ से ये थर्ड वाले को पकड़ना है और इसे एकदम पास में लगाएंगे। इसी तरह से हमें यहाँ सभी को अटैच कर देना है, एकदम सिंपल तरीके से आप बना लेंगे बहुत आसान तरीके से। चलिए मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट करती हूँ और हम जल्दी जल्दी से इसे चिपका लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने इसे चिपका दिया है, अब इसे हम थोड़ा सा सूखने देंगे। इसे मैं आपको एक बार उठा के दिखा देती हूँ हल्के हाथों, वैसे आप ना उठाने की ट्राई करें क्योंकि ये अभी सूखा नहीं है, मैं भी नहीं उठा रही हूँ। रख देते हैं, सूखने देते हैं इसे, जब तक ये सूखेगा नहीं तब तक ये हमारा सही से होगा नहीं। अभी आप उठाएंगे तो ये इधर उधर हल्का फुल्का निकल जाएगा, फिर हमें दिक्कत होगी। चलिए मैं सूख जाने देती हूँ, फिर आगे आपको बताऊंगी कि क्या करना है। अब देखिए जब तक हमारा वो सूख रहा है तब तक हमें यहाँ पे क्या करना है, ये तिलक शेप का नग लिया है और ये बॉल चेन लिया है, इसे हम कवर करेंगे। फिर यहाँ पे रेड कलर में हमने राउंड शेप में नग लिया है, ग्रीन कलर में हमने राउंड शेप में नग लिया है, इसे हम बॉल चेन से कवर करेंगे। चलिए हम इतना काम करते हैं जल्दी जल्दी से। ये देखिए हमने इसे बना दिया। अब इसी तरह से हमने यहाँ पे दो और नग लिए हैं, एक ग्रीन है और एक रेड है, राउंड शेप वाला है, इसे भी हम ऐसे ही कवर करके बना लेंगे। चलिए बना लेते हूँ, फिर आगे आपको बताऊंगी क्या करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे इन सभी पीसेस को कट कर लिया है, ये देखिए बहुत आसानी से आप कट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए ये हमने इस तरह से इसे कट कर लिया है, सभी को कट कर दिया, और यहाँ से जो हमारा एक्स्ट्रा पेपर निकल रहा था इसे भी हमने कट करके हटा दिया है। ये देखिए अब यहाँ पे पीछे पीछे से रह गया है। हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इसे आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दोनों साइड से ऐसे किसी से हाथ से पकड़वा लें ऐसे करके, या फिर इसे किसी कपड़े के ऊपर रख के और एक पिन यहाँ से ऐसे अंदर लगा दें, एक पिन यहाँ से अंदर लगा दें। मतलब बस यहाँ पे इतना करना है कि यहाँ से ऐसे ही लेना, यहीं पे ऐसे अटैच हो जाए। तो मैं अटैच करने के लिए क्या करूँगी, मैंने यहाँ पे अपनी ग्लू गन गर्म की है, थोड़ा सा ग्लू यहाँ लगाऊंगी और थोड़ा सा यहाँ, बस इसी पे इसे अटैच कर दूंगी। ये ग्लू निकल जाता है, यहाँ रहेगा नहीं, और ये माले पे से भी निकल जाएगा। ये देखिए एक बराबर से हमने इसे चिपका दिया। चिपकाने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब ये मैं निकाल लूंगी, ये हमें ऐसे नहीं छोड़ना है, इसे हम बराबर करेंगे। ये हमारा बराबर हो गया है। ये वीडियो में थोड़ा सा इधर से आपको यहाँ पे ये शायद तिरछा लग रहा है वीडियो में देखे, बट यहाँ सामने से एकदम परफेक्टली बराबर है। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे आप इसे फैब्रिक ग्लू की हेल्प से भी चिपका सकते हैं, बट चिपका के आपको बहुत देर तक इसे छोड़ना होगा अच्छे से सूखने के लिए, इसलिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी ग्लू गन का। ये देखें ये तिलक शेप के पीछे हमने इस तरह से लगाया और इसे हम अटैच कर देंगे यहाँ पे, ये सेंटर पे हमें इस तरह से लगा देना है। ये देखें एकदम हल्के हाथों लगाएंगे जिसे इसका शेप जैसा है वैसा ही रहे। ये हमने यहाँ पे लगा दिया, ये देखिए ये चिपक गया है यहीं पे, इसीलिए हमने इसे ग्लू गन की हेल्प से किया कि इससे ये तुरंत चिपक जाए। वैसे आप ग्लू की हेल्प से भी करें, थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा सूखने के लिए। ऐसे मैं यहाँ पे सारे को लगाऊंगी। अब इसके बाद हमारा राउंड शेप वाला लगेगा, तो इस पर भी हम लगाएंगे ग्लू, और ग्लू गन से काम करते वक्त बहुत आप केयरफुल रहें क्योंकि ये देखिए हाथ पे लग जाती है और बहुत गर्म होती है। ये हटा दे रही हूँ मैं एक्स्ट्रा, काफ़ी सारे रेसे निकलेंगे इसे लगाने के बाद जो हम साफ़ कर लेंगे। ये देखिए ये इस तरह से यहाँ सेंटर पे लगा दिए मैंने। ये देखिए हमने चिपका दिया है, अब हम इसे यहाँ से निकाल देंगे। देखिए इस तरह से ये निकल आएगा हमारा, ये देखिए। और ये जो पीछे से ग्लू लगा है
ये भी ये देखिए आसानी से निकल गया क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा दबाया नहीं था। अगर आप हल्का सा प्रेस कर देंगे तेज़ से तो वो निकलेगा नहीं ग्लू, और ये मेरा बहुत इजीली निकल जा रहा है। ये देखें, ये आप पीछे से भी सही है और फ्रंट से भी आप देखें, ये सारे यहाँ पे जो रेसे निकल रहे हैं आप इजीली निकाल सकते हैं इसे। ये देखिए, चलिए मैं ये रेसे निकाल देती हूँ, फिर यहाँ पे आपको वायर लगाना बताऊँगी। ये देखिए, यहाँ से एक्स्ट्रा रेसे मैंने हटा दिए। ये बहुत ही खूबसूरत सा हमारा ऐसे लेयर आएगी पहनाने पे। और यहाँ पे देखिए मैंने हुक लगा दिया है, तो हम इधर भी लगाएंगे। अगर आपके पास वायर नहीं है इस तरह की, ये देखिए ये वायर हम यूज़ करेंगे, अगर आपके पास इस तरह की वायर नहीं है तो आप सुई धागे की हल से यहीं पे इसके अंदर डाल के सिल दें। ये निकलेगा नहीं आपका, आप सुई इसके बीच में से ऐसे ऊपर की साइड से चुभा के और यहाँ पे नॉट दे दें। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, ये देखिए वायर लिया है, इसे हम इस तरह से ऐसे रोल करेंगे। ये हमने रोल किया, ये देखिए ये हमारा हुक बन गया। हुक बनने के बाद यहाँ से ये एक्स्ट्रा है उसे कट कर देंगे, और कट करने के बाद यहीं से एकदम थोड़े से पास में ही हम एक और हुक ऐसे ही बना देंगे। ये देखें, ये इस तरह से ऐसे हमने लपेट दिया है, यहाँ से हम इसे कट कर देंगे। और कट करने के बाद ये देखिए, ये हमारा हुक अब रेडी हो गया है। इस तरह से इसे आप पास और दूर कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये हमने एक छोटा सा कागज़ का पीस लिया है, यहाँ पे ऐसे इसे उल्टा करेंगे, और उल्टा करने के बाद यहाँ पे हम ग्लू लगाएंगे। आप यहाँ पे फैब्रिक ग्लू भी लगा सकते हैं, बट उससे यही है कि आपको बहुत देर तक किसी चीज़ से दबा के तब छोड़ना पड़ेगा। ये देखें, यहाँ पे हमने इसे इस तरह से लगा दिया कि हमारा हुक यहाँ पे सेट हो गया। अब आगे से आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं, ये देखिए इस तरह से। ये हमारा हो गया है। अब यहाँ पे हम धागा लगा के इसे आसानी से पहना सकते हैं गोपाल जी को। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जो हम पहनाएंगे तो इस तरह से हो जाएगा। आशा करती हूँ पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे।